केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब सलाद बनाने बैठे तो उन्होंने अपने कुक से सेब धोने को कहा। बार बार धोने पर जब सेब की चमक नहीं गई तो कुक ने ये बात मंत्री जी को बताई। मंत्री जी ने जब चाकू से सेब की मोम की परत को खरोचा तो उन्हें समझ में आया कि 420 रुपए किलो वाले दाम के सेबों पर मोम चढ़ाया गया था। ये सब भी बाहर से मंगाए गए थे, यानी कि इम्पोर्टेड। इसके बाद खाद्य और खानपान से जुड़ी कई एजेंसियों ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। सेब को काफी दिनों तक तरोताजा और उसकी चमक बरकरार रखने के लिए बाजार में उतारने से पहले उस पर मोम का लेप चढ़ाया जाता है और ये आम बात सी हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो फलों पर कुदरती मोम की एक परत होती है जिससे वो चमकदार दिखते हैं। फलों को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए उस पर अतिरिक्त मोम की परत चढ़ाई जाती है और ये काम दुनिया भर में करीब 100 सालों से हो रहा है। इससे फल का रस नहीं सूखता, उसकी चमक भी बरकरार रहती है। फलों को सुरक्षित रखने का यह साधारण तरीका है। भारत में भी सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। मोम चढ़ाने से फलों को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखते हुए दूर दराज के इलाकों में भेजा जा सकता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब पैदा करने वाले किसान भी कई सालों से सेबों पर मोम की परत चढ़ाते आ रहे हैं ताकि सेब बिना फ्रिज के लंबे समय तक ताजे रह सके। फलों को पैक करते या तोड़ते वक्त रगड़ से प्राकृतिक मोम की परत उतर जाती है जिससे फल सही नहीं दिखते और जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है। फलों को सुरक्षित रखने के मकसद से दुनिया भर की सरकारों ने फलों पर मोम लगाने की इजाजत दी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के मुताबिक वेजिटेबल वैक्स यानी कुदरती मोम का इस्तेमाल फल सब्जियों पर हो सकता है। कुदरती मोम सब्जियों, दालों, खनिजों, चर्बी और फलों से मिलता है। भारत में ज्यादातर फलों पर खजूर के पत्तों से मिलने वाले कैरानोबा मोम की परत चढ़ाई जाती है। पंजाब में किन्नू पर भी खाने योग्य मोम की परत चढ़ाई जाती है। तरबूज, संतरा, नींबू, अंगूर, केला, खीरा, टमाटर और आड़ू जैसे फलों व सब्जियों पर मोम की परतें चढ़ाई जाती हैं। विशेषज्ञों की माने तो फल, दाल, मधुमक्खी के छत्ते और सब्जियों से मिलने वाले मोम से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है, यानी कि प्राकृतिक मोम से कोई नुकसान नहीं होता। मगर बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सेबों पर केमिकल युक्त सिंथेटिक वैक्स की कोटिंग होती है। इस तरह की कोटिंग वाले सेब खाने से इसका मोम आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है और आपको पेट की कई गंभीर बीमारियां दे सकता है। मोम युक्त सेब खाने से आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अपच, बदहजमी और पेट दर्द जैसी सामान्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लंबे समय तक इस तरह के सेब का सेवन करने से आपको पेट का कैंसर, आंतों में छाले और आंतों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में यह वैक्स खाने वाले को सांस की बीमारी भी दे सकती है। amarujala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।